तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने जो इसका फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन का, वो अभी कल अपलोड कर दिया गया है। बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैंने सिंपल बताया कि कैसे पढ़ना रहता है, क्या इसका सिलेबस रहता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। कैसा इकोनॉमिक एज सब्जेक्ट का नेचर क्या है, तो मैंने ये भी बताया था कि करंट अफेयर बेस्ड नेचर होता है दोस्तों। बाबा आदम के ज़माने का काम यहाँ नहीं करता, 2000 में क्या कंसेप्ट लागू था वो नहीं करता। लेटेस्ट में बजट में इकोनॉमिक सर्वे में क्या चल रहा है, वो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमने पढ़ा था कि इसको है ना, थ्योरी के साथ साथ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हर साल बजट आता है, प्लस हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, या राजस्थान में इसको इकोनॉमिक रिव्यू कहते हैं, जो भारत सरकार होती है वो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है। इन चीज़ों को हमको पढ़ना है, बाकी आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। नोट्स इज है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लगभग पर्याप्त है। कोई बुक में ऐसा इतना इजी लैंग्वेज में नहीं लिख सकता। आप बुक्स देखोगे तो बहुत मुश्किल है। बुक्स आप पढ़ सकते हो चाहो तो, रमेश सिंह, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बुक है उसमें तो, कोई बुरी अच्छी बुक है, पर बुक अच्छी होने से नहीं मैटर करता ना, वो हमारे एग्जाम के काम की होनी चाहिए। हालांकि यह ठीक ठाक है, आप इसको रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टॉपिक, कुछ नोट्स, कुछ बनाना हो, कुछ पढ़ना हो, तो इसको आप बेस बना सकते हैं। फिर हम दोस्तों, अब आज बेसिकली मैंने कहा था कि हम जो चैप्टर वन है हमारा इंट्रोडक्शन, वो बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स का जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई, या फिर इकोनॉमिक्स की डिफरेंट ब्रांचेज क्या होती है, इस सब के बारे में हम वन बाई वन करके इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस, आप सब लोगों को सिलेबस अपने एग्जाम को पता होना चाहिए। मैं तो यहाँ पर जनरल पढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, जनरल मतलब लगभग सभी टॉपिक कवर करूंगा मैं तो। ऑल टॉपिक्स विल बी कवर्ड बाय मी इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो। तो आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में जो है वो आप टॉपिक देख सकते हैं। जैसे कि मैं तो सब कुछ पढ़ाऊंगा यहाँ पर, मैं चाहे वो इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँ, मैं जीडीपी के बारे में पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पर कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर होते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, इनको डिस्कस करूंगा, और भी इन्फ्लेशन, बैंकिंग वगैरह का सबका डिस्कस करूंगा। आपको जो आपके सिलेबस में है वो आपको देख लेना है। आपके सिलेबस में बैंकिंग नहीं है तो आप नहीं पढ़े उसको, इस वीडियो को नहीं देखे, छोड़ सकते हैं उसको। इसके लिए मैंने क्या किया है, अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी दोस्तों। आप उस प्लेलिस्ट में आराम से जो अपने काम के वीडियो हैं वो देख सकते हैं, नहीं है तो ना देखें, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मॉर्निंग में हमारा जो डेली इकोनॉमी अफेयर्स का वीडियो चल ही रहा है, उसमें भी आप, मैंने कह रहा डेली देखो, उसमें भी आप जो चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो टॉपिक लगता है कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो जरूर पढ़ लें उसमें से। मैं तो जो इकोनॉमी का जो डेली इकोनॉमी न्यूज बनाता हूँ, बेसिकली सबके लिए बनाता हूँ ना, किसी एक एग्जाम के लिए तो नहीं बनाता ना, बैंकिंग के लिए भी बनाता हूँ मैं यूपीएससी के लिए भी, स्टेट पीसीएस के लिए भी, सबके लिए बनाता हूँ। आपको जो अगर सिलेबस में है वो चैप्टर, जैसे मैंने आज पढ़ा है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स ईपीआई, अब वो हर एग्जाम में सिलेबस में, राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो उसमें एक्सपोर्ट पार्ट होता है, तो उसमें वहाँ वो इंपॉर्टेंट है। मैंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पढ़ाया नीति आयोग द्वारा, तो वो जाहिर सी बात है जिस एग्जाम के सिलेबस में पॉवर्टी है उसमें वो इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ सकते हैं। मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड पढ़ाया, तो ये स्टेट पीसीएस वगैरह छोड़ सकते हैं इसको, ये बैंकिंग वाले इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम हमारे उसकी तरफ बढ़ते हैं सिलेबस में। आप सब लोग अपना सिलेबस अच्छे से देखो, खोलो चैप्टर उसको, पर इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके सिलेबस के सारे टॉपिक यहाँ कवर हो जाएंगे। मैं उससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा आपको, जो सिलेबस के टॉपिक है वो आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन जानेंगे, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में अब तक आपको मोटा मोटी आपके मन में एक कंसेप्ट तो होगा, कुछ ना कुछ तो सोच होगी इकोनॉमिक सब्जेक्ट के प्रति। जैसे कि बायो के प्रति आते हैं अपन, आ जाते हैं कि आप इंसान है, उसको काट चीरफाड़ करनी है। केमिस्ट्री में का नाम आता है, हम रसायन का दिमाग में विचार आता है। फिजिक्स का नाम आता है, कुछ और विचार में आता होगा। हिस्ट्री का नाम आता है, राजा घोड़े पर बैठ के घूम रहा है, ऐसा विचार आता है। हर सब्जेक्ट का ज्योग्राफी में कुछ ना कुछ ज्योग्राफी का विचार आते हैं, अपना नदी नाले झील तालाब आ जाते हैं। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट हो उसका कुछ नाम सुनते कुछ दिमाग में विचार आता है। तो इकोनॉमिक्स का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या विचार आता है, आप बताइए मुझे, सोचे। तो दोस्तों अगर नहीं सोच पा रहे तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मैटर आता है, धन का मामला आता है, धन, वेल्थ, संपत्ति, मनी, पैसा। सीधी सी बात है, इसका इकोनॉमिक्स का जब आपके दिमाग में, जब भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट आए सीधा दिमाग में पैसा आना चाहिए। पैसे का प्रबंधन है बेसिकली, क्या है, मैनेजमेंट ऑफ मनी है, सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट ऑफ मनी है इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं ना, वो पैसे का प्रबंधन है। हर आदमी इकोनॉमिक्स को पढ़ता है, जानता है, घर में हमारे डोमेस्टिक में हमारी माता बहनें रसोई किचन का मैनेजमेंट करते हैं, वो तो किचन के वो इकोनॉमिक्स को संभाल रहे हैं। हमारे फादर कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई खेती का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं,
एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उसमें भी वो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत देख रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स तो देश के हर चीज में, घर से लेकर परिवार से लेकर देश तक, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी इकोनॉमिक्स है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट करना होता है। हमारे परिवार में कितनी महिलाएं कितनी दक्ष होती है, एक्सपर्ट होती है हमारी माताएं, जो कम खर्चे में महीने का किचन का खर्चा निकाल देती है। तो वो क्या है, वो भी एक मैनेजमेंट है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब है पैसे का प्रबंधन करना। अब ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो देखो दो शब्द होते हैं, जो मनुष्य की देखो इच्छाएं होती है ना, वांट, जो मनुष्य की वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है। हमारे आपकी सबकी इच्छाएं अनलिमिटेड है। अभी मैं आपको 1 करोड़ रुपए पैसा दे दूं, तो आप तुरंत ही मुझे कार चाहिए, कार भी कौन सी मर्जी चाहिए, मेरे को जूते चाहिए 20,000 के, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मनुष्य की इच्छा कोई संख्या नहीं है, मेरे को प्लॉट चाहिए, फ्लैट चाहिए, सब चाहिए। तो मनुष्य की इच्छा क्या दोस्तों, वांट अनलिमिटेड होती है। अब और जो पैसा होता है ना, वो मनी, वो लिमिटेड होती है हमेशा। आपके पास पैसा लिमिटेड है, आप खुद ही आपका जो बजट है, जैसे महीने का 10-5 हज़ार रुपये आते हैं, 10,000 रुपये आते हैं, तो आप उसमें घर मैनेज कर रहे हो, अपना खर्चा मैनेज कर रहे हो, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक्स है बस। तो मनुष्य की वांट अनलिमिटेड है, मनी होती है लिमिटेड होती है। अब इसको मैनेज करना, कम पैसे में ज्यादा का काम करना, सिंपल सी बात है, ये इकोनॉमिक्स कहलाता है, ये इकोनॉमिक्स कहलाता है। जिससे क्या हो, अधिकतम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो सके, अधिकतम भलाई हो सके, ऑप्टिमम यूज हो सके पैसे का। ये घर में भी होता है, हमारे घर में पैसा लिमिटेड होता है, लेकिन हमारे खाने की इच्छा अनलिमिटेड होती है। डेली चाहे तो मिठाई भी बन सकती है, डेली चाहे तो खीर भी बन सकती है, डेली चाहे तो रबड़ी भी बन सकती है, डेली चाहे तो 4 सब्जियां भी बन सकती है, लेकिन नहीं, हमारी जो मदर है या गप है वो उसको मैनेज करते हैं, कम पैसों में पूरा महीने का खर्चा चलाते हैं। तो दोस्तों यही सिंपल सी इकोनॉमिक्स है। आज के बाद इकोनॉमिक्स का सीधा सा मतलब जब भी आप दिमाग में बिठाओ, सीधा सा पैसे की बात आनी चाहिए। भाई पैसा है, पर पैसा अनलिमिटेड हो तब तो फिर कोई गेम ही नहीं है ना। मुकेश अंबानी के घर में नहीं करना उसको ऐसा ज्यादा इकोनॉमिक्स का मैनेजमेंट, उसको कंपनी में करना है। तो पैसा क्या होता है, लिमिटेड होता है, लेकिन चाहते हैं जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये चीज लाओ, वो चीज लाओ, हर चीज लाओ। अभी मैं पैसे दे दो, आप तुरंत ही एप्पल का मोबाइल लेके आओ, एप्पल का आईपॉड लेके आओ, कार लेके आओ, गाड़ी लो, बंगला लो, सब कुछ लो। तो वांट तो क्या है, अनलिमिटेड है, लेकिन पैसा लिमिटेड है। उस लिमिटेड पैसे में आपको उसको मैनेज करना है चीजों को। दिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सिंपल सा सिद्धांत है, आज के बाद कभी भी इसको भूलना नहीं है। तो हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स समझ ली। मेन तो क्या, ये धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ है, इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। पैसे का प्रबंधन करना है, कैसे करना है मैंने समझा दिया। अब यहां तक बात हमारी क्लियर हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ के दो शब्दों में अंतर समझेंगे। एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है इकोनॉमी। आप लोगों ने सुना होगा। अब इन दोनों में कंफ्यूज भी होता है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमी, दोनों में अंतर क्या है, कि कुछ अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है दोस्तों। जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है ना, बेसिकली वो प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांतिक होता है, सिद्धांत होते हैं, क्या होते हैं, थ्योरेटिकल बात होती है, थ्योरेटिकल बात होती है। यहाँ पे कई सारे सिद्धांत आएंगे इकोनॉमिक्स के। जब हम पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है बेसिकली, जिसमें है ना, उसमें क्या होता है, जो मनी के मैनेजमेंट के लेकर कई सारे प्रिंसिपल हैं, कई सारे थ्योरेटिकल है उसमें। उसमें है ना, उसमें एडम स्मिथ के रूल आएंगे, उसमें और कई सारे साइंटिस्ट की क्या थ्योरी आएगी, कई सारे प्रिंसिपल आएंगे। तो जब हम किसी चीज का, जब सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, प्रिंसिपल में पढ़ते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। जब ये सिद्धांतों को हम प्रैक्टिकल रूप में, प्रैक्टिकल रूप में कोई ज्योग्राफी में लागू करते हैं, ज्योग्राफी में लागू करते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं इकोनॉमी। नहीं समझ रहे होंगे, मैं समझा देता हूँ। प्रिंसिपल जैसे फिजिक्स का सिद्धांत है, जैसे न्यूटन का सिद्धांत दिया, न्यूटन ने थ्योरी दी, न्यूटन के प्रिंसिपल हैं, तो वो प्रिंसिपल जहां वो स्टडी होगी उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक्स कहेंगे। लेकिन जब वो न्यूटन के प्रिंसिपल लगाए, कोई मशीन बनाई, कहीं अप्लाइड किया, तो उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमी कहेंगे। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिया, एक सिद्धांत दिया, तो अगर उस प्रिंसिपल का हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। लेकिन जब वो सिद्धांत को हम कहीं अप्लाइड कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में अप्लाइड कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इकोनॉमी कहेंगे। फिर दोबारा बता रहा हूं, जैसे कि अभी क्या, जैसे कि एक इकोनॉमिक्स के फादर कहलाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, इन्होंने टैक्स के संबंध में कुछ सिद्धांत दिया, भाई टैक्स कैसा होना चाहिए, इनकम टैक्स लागू कर तो कैसा होना चाहिए, कितनी रेट होनी चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए। टैक्स के संबंध में इन्होंने कई सारे सिद्धांत दिया। अब ये सिद्धांत जो हम पढ़ेंगे वो कहलाते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन ये सिद्धांत का हवा में नहीं ना, ये कहीं इंडिया में लागू करेंगे इनको, तो दोस्तों इसको कहेंगे इंडियन इकोनॉमी। क्या कहेंगे, इंडियन इकोनॉमी। अगर इस सिद्धांत को हम राजस्थान में लागू कर दें तो उसको कहेंगे राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी। हम यूएसए में लागू कर दें तो हम कह देंगे यूएस की इकोनॉमी। हम चाइना में लागू कर देंगे तो चाइना की इकोनॉमी कह देंगे। ऐसे एक सिद्धांत है जीडीपी,
जीडीपी का सिद्धांत है भाई, जीडीपी ऐसे होती है। लेकिन जब जीडीपी हम इंडिया की गणना करें तो इंडियन जीडीपी कहेंगे उसको। तो समझे बात को, जब किसी प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल में कोई ज्योग्राफी में लागू करते हैं तो उसको इकोनॉमी कहते हैं। ज्योग्राफी क्या है, जो इकोनॉमी है वो ज्योग्राफिकल टर्म में इस्तेमाल होती है किसी ज्योग्राफी के संबंध में, कोई एरिया के संबंध में। हम राजस्थान की इकोनॉमी की बात करेंगे, हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, हम यूएसए की इकोनॉमी की बात करेंगे, हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करेंगे, हम अफ्रीकन इकोनॉमी की बात करेंगे। लेकिन जब इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल होगा तो सिंपल इकोनॉमिक्स, उसके सिद्धांत पूरे इंडिया दुनिया में एक जैसा ही है भाई। यहाँ जैसे कि इंडिया में बजट, तो बजट का सिद्धांत पूरी दुनिया में एक जैसा ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी दुनिया का कंसेप्ट एक जैसा ही है। लेकिन जब उसको डोमेस्टिक में लागू करते हैं ज्योग्राफी में, तब उसको उसका नाम दे दिया जाता है। तो अगर अब तक आप समझ गए हो तो इकोनॉमिक बेसिकली क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है। जब उसको प्रैक्टिकल में कहीं लागू करते हैं, जब किसी ज्योग्राफी में इन सिद्धांतों लागू करते हैं तो उसको कहते हैं इकोनॉमी। तो आज के बाद आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में कंसेप्ट में अंतर मत, मतलब कंफ्यूज मत होइए। इकोनॉमी जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ज्योग्राफी के साथ करेंगे, जैसे इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स तो एक सब्जेक्ट है, एक प्रिंसिपल के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यहाँ तक बात। अब इकोनॉमिक्स की ब्रांचेज होती है दोस्तों, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज होती है। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे कि इनको है ना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट नोबल मिला था, फर्स्ट नोबल मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो आप समझ जाओ ये कितने मान अर्थशास्त्री होंगे। जब इकोनॉमिक्स का नोबल अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1969 में, तब फर्स्ट अवार्ड अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था रेगनर फिश को। तो ये रेगनर फिश जी ने क्या किया, इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा है। वो एक कहते हैं एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसको दो भागों में बांट दिया रेगनर फिश साहब ने। क्या कहा, एक सब्जेक्ट को कहा मैक्रो, एक को कहा माइक्रो। तो मैक्रो और माइक्रो शब्द आप समझते होंगे, जो साइंस पढ़े हो बच्चे तो जानते ही हैं। माइक्रो मतलब बिल्कुल सूक्ष्म होता है, मैक्रो मतलब लार्ज होता है, बड़ा होता है। जो छोटे को बड़ा दिखा उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप छोटे को दिखाती है। तो मैक्रो शब्द जो है ना लार्ज के संबंध में करते हैं, अब माइक्रो मतलब बिल्कुल स्मॉल। तो दोस्तों जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो इसमें लार्ज लेवल स्केल पर स्टडी करते हैं, लार्ज स्केल पर स्टडी करते हैं, व्यापक स्तर पर स्टडी करते हैं। जैसे इसमें बड़े स्तर पर बात करते हैं, जैसे इंडिया की जीडीपी की क्या स्थिति है, जैसे भारत में इन्फ्लेशन कितना है, पूरे देश में रोजगार कितना, ऐसे बड़े लेवल पर स्टडी की जाती है। जबकि देखो माइक्रो मतलब स्मॉल, इसमें इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल लेवल पर। जैसे मैं कहूँ राम राम की क्या स्थिति है, तो पूरे देश के हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं होल, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक। जब इंडिविजुअल राम श्याम मोहन किसी की स्टडी करें, कोई इंडिविजुअल कंपनी रिलायंस अडानी या कोई भी इंडिविजुअल कंपनी की हम स्टडी करें, एक सारी कंपनी को मिला के स्टडी करें, तो उसको कहेंगे मैक्रो इकोनॉमी। जब हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं दोस्तों उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चीजों को व्यापक स्तर पर देखते हैं, व्यापक लेवल पर स्टडी की जाती है। यही बात होगी, ये जंगल है, जंगल है रणथंभौर का, तो पूरे जंगल की स्टडी कर रहे हैं हम, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जंगल का एक एक पेड़, सिंगल पेड़ ले लिया, एक टाइगर ले लिया, T21 बहुत सारे टी है, T20 वगैरह कितने नाम है, ऐसे इंडिविजुअल टाइगर की स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहलाएगा। सिंपल है, इसमें कोई ओवर साइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन काम। तो सबसे पहले तो किसने इसको क्लासीफाइड किया था, तो जो इसका इकोनॉमिक्स का नाम याद रखना चाहिए, रेगनर फिश साहब थे, इन्होंने 1939 में क्लासीफाइड किया था। बेसिकली मैक इन्होंने दो तरह के जो इकोनॉमिक्स, दो तरह के दो टाइप में इसको डिवाइड किया, मैक्रो जब लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं देश के लेवल पर व्यापक स्तर पर स्टडी करते हैं, माइक्रो मतलब बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे पूरे राजस्थान की स्टडी करें तो माइक्रो मैक्रो इकोनॉमी कहलाएगी। लेकिन इंडिविजुअल एक आदमी, कोई गाँव का एक व्यक्ति है, एक कंपनी है, एक बिजनेस है, तो उसकी स्टडी करेंगे तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। ये रेगनर फिश का नाम याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेगनर फिश साहब इकोनॉमिस्ट थे, फर्स्ट नोबेल अवार्ड मिला था इनको 1969 में, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक हो। तो अब हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, एडम स्मिथ साहब के बात में के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एडम स्मिथ, ये नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए। बेसिकली ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड आपको पता है यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, ब्रिटेन का पार्ट है एक तरह से स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड के क्या थे, ये बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे। देखो आप लोगों को सबको पता है पुराने टाइम पर लगभग 200-300 साल मिडिल पीरियड में ऐसा सब्जेक्ट ब्रांचेज अलग से नहीं होती थी, जनरली एक फिलोसॉफी के टाइप का सब्जेक्ट हुआ करता था, सब लोग उसी को पढ़ते थे। तो इसी से धीरे धीरे बाद में पॉलिटिकल साइंस
या हिस्ट्री कह लो, सबकी स्टडी ये सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट बाद में डेवलप हुए हैं, शुरुआत में नहीं था ऐसा। पुराने टाइम में मिडिल टाइम कोई स्टडी नहीं थी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो सारी जो साइंस के जितने सब्जेक्ट थे सब एक साथ ही चलते थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में ये एडम स्मिथ साहब थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों, वेल्थ ऑफ द नेशन। ये इकोनॉमिक के इतिहास में सबसे महानतम बुक मानी जाती है आज दिन तक के इतिहास की, मैग्नम ओपस कहते हैं इसको, मतलब महाभारत टाइप की मान लो, जैसे महाभारत है भारत महाकाव्य, इसको इतना इंपॉर्टेंस है। वैसे ही अगर इकोनॉमिक्स के फील्ड में देखो तो इकोनॉमिक्स के फील्ड की महाभारत कहा जा सकता है, वेल्थ ऑफ द नेशन। इस वेल्थ ऑफ द नेशन में इन्होंने कई सारे कंसेप्ट दिए, कई सारे कंसेप्ट दिए, तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये बुक से ही क्या हुआ, इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट डेवलप हुआ, एज ए सेपरेट सब्जेक्ट डेवलप हुआ, इसलिए इनको क्या टैग दे दिया गया, इनको कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एडम स्मिथ, फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स कहा गया इनको, क्योंकि इनकी इस बुक से क्या माना जाता है, इनकी बुक से ही इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो आप ये देख सकते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ का नाम तो कभी जन्म में भूलना ही नहीं, इनकी बुक का नाम भी नहीं भूलना दोस्तों। ये बुक तो बहुत ही ऐतिहासिक बुक है, वेल्थ ऑफ द नेशंस, और इसको पूरा नाम बेसिकली इसका लंबा चौड़ा है, एन इंक्वायरी इंटू द नेचर, एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इतना भी आपको याद नहीं रहे तो आपको वेल्थ ऑफ नेशन से काम चल जाएगा। 1776 में ये बुक लिखी थी, पब्लिश हुई थी बेसिकली। इसके बाद से ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक्स का क्या हुआ, इकोनॉमिक्स का अलग से एक सब्जेक्ट रूप में डेवलपमेंट हुआ। स्कॉट के लैंड के इकोनॉमिक्स थे ये भी, थोड़ा सा इनके बारे में तो याद रखना पड़ेगा, देखो ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं तो थोड़ा तो इनके बारे में डिटेल में याद रखना पड़ेगा। एडम स्मिथ को भूलना नहीं है, 1776 वेल्थ ऑफ द नेशन फादर ऑफ द इकोनॉमी, और इस बुक का थोड़ा और डिटेल में नाम याद रखना चाहे तो एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड द काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इसमें पूरी स्टडी करी गई भाई, जो जो राष्ट्र की संपत्ति होती है उसका क्या नेचर होता है, क्या काजेज होते हैं, सब कुछ इसके बारे में डिटेल में बताया बेसिकली। तो हमको इतना डिटेल में नहीं बुक में क्या लिख रहा है, लेकिन हमको इतना याद रखना है। इन्होंने एक और बुक लिखी थी, द थ्योरी ऑफ मॉडर्न सेंटीमेंट्स, द थ्योरी ऑफ मॉडर्न सेंटीमेंट्स, याद रहे तो रख सकते हैं, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पर वो पहली वाली बुक का तो नाम आपको नींद में भी याद रखना है, द थ्योरी ऑफ मॉडर्न सेंटीमेंट्स 1759 में एक बुक लिखी थी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बुक तो ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग होती है, वेल्थ ऑफ द नेशन से। ठीक है, बात यहाँ तक बात ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक, एक और कंसेप्ट मैं अभी इकोनॉमिक्स का आपको एंटर कराने का प्रयास कर रहा हूँ, एक धीरे धीरे एक चीज बढ़ता है, एक बिंदु है। एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट कहलाता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये बहुत इकोनॉमिक्स में काम आता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये हम सब आम जिंदगी में भी अपनाते हैं। इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है, आपको मजा आएगा, डे टू डे की लाइफ में जुड़ा हुआ है, हर कॉमन मैन से जुड़ा हुआ है, आम जिंदगी में जिस सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं, जो चीजें काम आती है, जो स्कीम काम आती है, वही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी जो स्केल का कंसेप्ट दोस्तों एक चीज कहता है, मैं पहले आप एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये कार कंपनी ए कोई भी हो सकती है, मारुति मान लो, इसका एक प्लांट है, ये कार है बी कंपनी बी कोई भी हो सकती है, महिंद्रा मान ली, ये कार बना रही है, सपोज करो इसका प्लांट है इतना, 10 कार बना रही है, अब ये बनाती 1000 कार, तो मुझे बताओ कौन से प्लांट में पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम कहाँ आएगी, आपके बुद्धि क्या कहती है, हम सब खेती करते हैं, 5 बीघा खेती करो और 50 बीघा खेती करो तो कहाँ पर खर्चा कम होता है, पर बीघा, इतना सा कंसेप्ट लगाओ। तो आप में से हर आदमी ये कहना चाहिए कि सर जहां पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है ना, वहां पर खर्चा हमेशा पर यूनिट कम हो जाता है, तो ये बी यूनिट में क्या होगा, पर यूनिट खर्चा, पर यूनिट कार का जो खर्चा है वो कम होगा। तो दोस्तों ये एक सिद्धांत है सीधा सा इकोनॉमी जॉब स्केल का, यही बात होगी। रसोई में पार्टी करते हैं, खाना बनाते हैं, तो बताओ आप रसोई से ना 10 आदमी को खाना बनवाओ, 100 का बनवाओ, 1000 रुपये का बनवाओ, कहाँ पर आदमी पर प्लेट खर्चा कम आएगा, सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना, पर प्लेट खर्चा कहाँ कम आता है, जब ज़्यादा लेवल पर खाना बनता है, क्योंकि क्या मेहनत बचती, कई सारी चीज़ें बच जाती है उससे, ट्रांसपोर्टेशन कई चीज़ों का खर्चा बचता है। तो ये इकोनॉमी जॉब स्केल कंसेप्ट यही कहता है, जब हम किसी चीज़ को लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट खर्चा कम आता है, इसलिए जब कंपनियां क्या करें, देश में प्रोडक्शन हो, कार बनाए, तो ऐसा नहीं छोटी छोटी दुकान टाइप खोल ली जिसमें 10 कार बन रही, 20 नहीं, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होना चाहिए, ये कंसेप्ट ही कहता है। जब देश में इंडस्ट्री खुले, कोई बड़ी इंडस्ट्री लगे, तो इंडस्ट्री ऐसे नहीं छोटी मोटी भी दुकान लगा ली स्टील की, नहीं, बड़े लेवल पर उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि वो क्या हो, वहाँ पर खर्चा कम आए, खर्चा कम आएगा तो आपकी चीज़ें दुनिया में बिक पाएगी। सपोज करो इंडिया में प्लांट लगाया, ये कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट, जैसे चाइना में प्लांट लगाया, यहाँ मोटरसाइकिल बन रही, सपोज करो अब यहाँ पर एक बड़ा प्लांट लगाया, 1 लाख का
1 लाख मोटरसाइकिल बनती है, बाइक बनती है। अब इंडिया में छोटा सा प्लांट लगा रखा है जिसमें 100 कार बन रही है, तो बताओ कहाँ खर्चा कम आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ये पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, ये सस्ता पड़ेगा दोस्तों, पर यूनिट कॉस्ट लेस होगी तो ये चीप पड़ेगा, तो सस्ता पड़ेगा। तो फिर बताओ चीज़ें सस्ती बिकती महंगी बिकती, तो इसका माल इंडिया में भी बिकेगा, इंडिया का माल इंडिया में नहीं बिकेगा। चाइना के मोबाइल इंडिया में क्यों बिकते हैं? क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, चीप पड़ते हैं। तो ये कंसेप्ट सिंपल सा ये कहता है कि जब इंडस्ट्री में फैक्ट्री में प्रोडक्शन करो तब क्या करो, तब ये चीज़ का ध्यान रखो कि वो इकोनॉमी जो भी स्केल को पालन किया जाए, ठीक है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर कॉस्ट कम आती है, ये कंसेप्ट है, बेसिक सिंपल कंसेप्ट है, याद रखना चाहिए आपको। अब एक चीज हम दोस्तों पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्या ये सिंपल सा इसका ये मतलब है कि जब हम चीजें प्रोडक्शन करते हैं, चाहे फैक्ट्री में हो चाहे खेती में हो चाहे कहीं भी हो, फैक्ट्री में इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो क्या क्या चीजें चाहिए रहती है। तो इकोनॉमिक्स में ऐसा मानते हैं कि भाई है ना, प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ें कंपलसरी आवश्यक है, 4 चीज़ें आवश्यक है। सबसे पहले चाहिए लैंड, भाई कोई जमीन में प्लांट लगेगा कि हवा में कोई प्रोडक्शन हो जाएगा नहीं होगा, हमको फैक्ट्री लगानी तो सबसे पहले जमीन चाहिए, खेती करनी तो जमीन चाहिए, हर चीज़ के लिए जमीन चाहिए। दूसरा कर्मचारी चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड लेबर, लैंड लेबर चाहिए। दूसरा अगर लेबर नहीं होगी तो कौन प्रोडक्शन करेगा, मशीन कौन चलाएगा, सब कुछ होगा। थर्ड चीज़ चाहिए कैपिटल, पैसा, भाई लैंड लेबर, लैंड चाहिए, जमीन हो गया, लेबर भी तैयार है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? आप प्लांट लगाओगे इंडस्ट्री पे तो वो प्लांट के लिए पैसा चाहिए, तो लैंड लेबर कैपिटल ये सब चीज़ें भी होगी, पैसा भी है, जमीन भी है, काम करने वाला तैयार भी है, पैसे तो सब खरीद लेंगे, मशीन भी खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे। कोई कहेगा मशीन भी चाहिए, यार मशीन तो कैपिटल में आ गया ना, मशीन तो कैपिटल में आ गया, पैसा होगा तो आप चीज़ें खरीद लोगे, तो एक कैपिटल अनिवार्य चीज़ है। एक और चीज़ चाहिए, एक उद्यमी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, सब चीज़ें है, सब चीजें है, ट्रैक्टर भी है, पैसा भी है, जमीन भी है, लेकिन किसान ही नहीं है तो खेती करेगा कौन, नहीं करेगा। ऐसे सब है, पैसा भी पड़ा है, लेबर भी तैयार है, लैंड भी, लेकिन एक एक बिजनेसमैन तो चाहिए, अडानी चाहिए, अंबानी तो चाहिए जो उस बिजनेस को कर सके, तो इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, उद्यमी चाहिए, उद्यमी या इंटरप्रेन्योर चाहिए जो उसको सब चीजों को लगाने वाला चाहिए, प्लांट आगे बढ़ के कदम उठा के। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट ये कहता है इकोनॉमिक में कि भाई 4 चीजें चाहिए प्रोडक्शन के लिए, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को दोस्तों रेंट मिलता है, ऐसा सिंपल माना जाता है कि भाई हम किराए पर प्लांट लगाने के लिए रेंट लेते हैं। लेबर को क्या मिलता है? लेबर को हम सब जानते हैं, वेज मिलता है। कैपिटल, कैपिटल हम कहीं बैंक से पैसा उधार लेते हैं, यार दोस्तों से लेते हैं, शेयर मार्केट से लेते हैं, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है दोस्तों, तो कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो होता है, उद्यमी होता है, उसको मिलता है प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसके खाते में जाता है? वो बिजनेसमैन के खाते में जाता है, उद्यमी के खाते में जाता है। तो फैक्ट्री और प्रोडक्शन का कंसेप्ट 4 चीज़ों पर है। किसी भी देश में इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ें चाहिए, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। तो यहाँ तक आप बात समझ गए हो तो दोस्तों अभी के लिए हम इतने यहीं पर रोक रहे हैं वीडियो। जल्दी हम है ना अगला वीडियो अब डे टू डे हम डेली डालेंगे, लगभग 7 PM पर, 7 PM पर डेली आपको क्या कर होगा वीडियो मिल जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।